खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राउत के नेतृत्व में स्टेशन पर आने जाने वाली गाड़ियों के समय व प्लेटफार्म पर गाड़ियों के इंतजार में बैठे यात्रियों के बीच लाउड हेलर व बैनर पंपलेट के माध्यम से गाड़ियों में अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने वालों को आगाह किया गया व इनसे होने वाले नुकसान के बारे में यात्रियों को जागरूक किया गया। इस दौरान ये भी कहा गया कि अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के अधीन कार्यवाही किए जाने पर 1 वर्ष तक की कारावास या 1,000 जुर्माना दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकता है। ऐसे अनावश्यक रूप से गाड़ियों की जंजीर खींचने वालों का रिकॉर्ड तैयार कर स्थानीय थाना को भेजकर स्थानीय अपराध रजिस्टर में दर्ज कराने की कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही बताया गया कि अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार ना करें, स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए हमेशा FOB का प्रयोग करें, यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर रेलवे टोल फ्री नंबर 139 पर संपर्क करने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही RPF द्वारा सासाराम क्षेत्राधिकार में रेल लाइन के किनारे स्थित विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य अध्यापकों से तथा इसी प्रकार कोचिंग संचालकों से सबनभ्य कर पढ़ने वाले लड़कों को जागरूक करने का एक सकारात्मक प्रयास लगातार किया जा रहा है और पढ़ाई के लिए ट्रेन से आने जाने वाले लड़कों को भी जागरूक किया जा रहा है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। यात्रा के दौरान गाड़ी खड़ी करने के लिए अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति जंजीर का प्रयोग नहीं करेंगे, पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें आपको जेल भी हो सकता है और जुर्माना से भी दंडित किए जाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल सासाराम, धन्यवाद।